कभी कैंटीन में चाय पीता हुआ मिल सकता हूँ, कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में दौड़ लगाता हुआ मिल सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे को पास आउट हुए लगभग 9 साल हो गए हैं, इसलिए अभी जो बच्चे हैं वो बहुत कम परिचित हैं, पर मैं बहुत बार यही पाया जाता हूँ जब जब जयपुर में हूँ। और विशेष लगाव मुझे यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के माहौल से। गोखले छात्रावास में रहा हूँ तो मुझे पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों को जानने का मौका मिला, और जो कुछ मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा है उसने मुझे शेप किया है। आज जो कुछ हूँ उसमें बहुत बड़ा एक रोल इस यूनिवर्सिटी का रहा है। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर टैलेंट और विचारों का उद्गम होता है। हम जब 12वीं पास करके गांव से या किसी और जगह से जब यूनिवर्सिटी आते हैं तब हमारा दिमाग इतना शेप नहीं ले चुका होता है वैचारिक तौर पर। हमने जो पढ़ा है वो सीखा है, मतलब और इस पूरी सोसाइटी को जानना हम शुरू करते हैं जब अलग अलग जगह के लोग हमसे आके रूबरू होते हैं। और जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए हैं उनका बीज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ही लगा है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में लगा है। तो यूनिवर्सिटी इस दुनिया के सबसे बड़े परिवर्तनों का और विचारों का उद्गम स्थल है, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। मैं इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि महाराजा कॉलेज से जैसे मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया और मेरी नौकरी लग गई, और उस नौकरी लगने के बाद मैं यूनिवर्सिटी कैंपस को मुझे छोड़ना पड़ा, जिसके लिए कई कई बार मन में आज भी दुख होता है, क्योंकि जिस लेवल की सेव मैं अपने आप को देना चाहता था वो आज मुझे महसूस होती है, वो मौका मुझे नहीं मिला। मैं महाराजा कॉलेज से जैसे पास आउट हुआ तो प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम एंड एक्साइज में एसएससी के थ्रू लग गया था, वो जॉब मैंने 30 दिन की और उसके बाद मैं छोड़ के आ गया। फिर यूनिवर्सिटी में जाने की सोची और उसी दौरान मेरा सेकेंड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और नियम कायदों से इतने परिचित भी नहीं थे, ना जानने की इच्छा रखते थे कि हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता था कि प्राइवेट भी पीजी हो सकती है, आगे जा सकते हैं। सेकेंड ग्रेड टीचर के रूप में काम किया, उसके बाद में मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में 2013 एसएससी से हुआ दिल्ली में। दिल्ली में मैंने तकरीबन 18 से 19 महीने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में काम किया, उसके बाद तैयारी में आरएस की करने लग गया। आरएस की तैयारी की बड़ी रोचक कहानी है, वो मैं बताऊंगा। इस कार्यक्रम का नाम मार्गदर्शन रखा गया है। मार्गदर्शन और मोटिवेशन ये ऐसी चीज़ें हैं, मेरा मानना है कि आदमी के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। केवल हम बता सकते हैं कि हमने ये किया है, वो यदि आप अपने आप को रिजेंबल कर पाते हो, आपकी और परिस्थितियाँ हमारी परिस्थितियाँ यदि समान है तो लग जाएगी, अदरवाइज सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं तो सबको अपने अपने रास्ते ढूंढने होते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आप कुछ सीख पाओ तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, आपके लिए भी अच्छी बात होगी। तो 18 महीने इनकम टैक्स की जब जॉब की मैंने, तो उसी दौरान 2013 का एसएससी दिया था, और 2013 के एसएससी के अंदर एसएससी के दौरान ही 2013 का आरएस भी निकल गया था। और मेरा एक अच्छी बात ये भी रही कि रोजगार सेंटर वाला जो था मेरे गाँव विंगस में, वो मेरा दोस्त था, और रोजगार सेंटर वाला यदि आपका दोस्त है तो बहुत फायदा मिलता है, हर फॉर्म के 40 रुपये बच जाते हैं। तो वो मेरे फ्री में फॉर्म भर दिया करता था, तो उसके पास सारे डाटा पड़े रहते थे, तो उसी ने आरएस का फॉर्म भरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आरएस करूँगा, मैं तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता, हमें भी कुछ नहीं पता होता। तो आरएस 2013 का फॉर्म भर दिया, उसके बाद प्री लगी में फेल हो गया, पर थैंक्स टू आरपीएससी एंड अपनी जुडिशरी कि उन्होंने फिर से कैंसिल किया, बोला दोबारा दोबारा एग्जाम लिया। अब इनकम टैक्स में था, मेरी 49,000 सैलरी आ रही थी, दिल्ली में रह रहा था, मुझे किसकी लोड थी। तो मैंने कोई इतना ज्यादा सोचा नहीं, दोबारा एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, फिर फेल हो गए। अगेन थैंक्स टू आरपीएससी एंड जुडिशरी, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज करवाया, और रिजल्ट तकरीबन 17-18 फरवरी के आसपास आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 17-18 फरवरी के आसपास रिजल्ट आया था 2016 में, उसमें मुझे पास कर दिया। और एग्जाम की डेट भी बता दी कि 11 या 12 अप्रैल को आपकी एग्जाम है, तो आप एग्जैक्ट काउंट कर सकते हो कि 40 दिन है,
इतने दिनों में मेरी वहाँ 15-16 साल की नौकरी हो गई थी इनकम टैक्स में, और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे भी। धीरे धीरे मज़ा खत्म हो गया था कि कितने दिन चिल करोगे आप, है ना। तो मुझे लगा कि अब ये बदलना चाहिए। तो 40 दिन का टाइम था, मैंने मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गया मैं, ऐसे ऐसे मेरा प्रीलिम्स निकला है और मैं मेंस देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कब एग्जाम, मैंने कहा 11 या 12 अप्रैल को। तो उन्होंने कहा 40 दिन में क्या कर लेगा तू, क्योंकि हरकते तो वो भी जानते थे मेरी कि पढ़ने वाला कितना आगे, उनको भी पता था कि पढ़ने वाला तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, यहाँ भी काम नहीं करता तो वहाँ क्या पढ़ लेगा ये 40 दिन। पर एक चीज़ थी, अपने देखो जब भी कभी आपको लगता है ना कि कुछ होने वाला है तो अपने अंदर से आने लग जाता है कि हाँ मेरा कुछ होने वाला है। तो मेरे अंदर भी फीलिंग आने लग गई थी कि हाँ कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा। तो मैं 17-18 फरवरी को रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने 5-7 दिन सर से दो भोग लगाए जो अक्सर अपन किया करते हैं, मैंने कहा साहब छुट्टी दे दो, नहीं दी उन्होंने। तो मैंने एक एप्लीकेशन छोड़ी वहाँ पर डाक में और मैं आ गया। आने के बाद आ तो गया, जोश था, जोश कुछ लोगों ने भी भर दिया, साथ वालों ने भी किया, प्रीलिम्स निकला है तू आरएस दे, तू आरएस बनेगा, ऐसे वगैरह वगैरह करके जोश भर दिया। तो मैं उसी जोश में आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि करूँगा क्या मैं 40 दिन, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है और उसको मैं मानता हूँ कि वो डर नहीं, वो बहुत बड़ा मिथ है। मेरा आरएस न देने के पीछे कारण था कि मैंने 2010 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, 2010 में आरएस आया था, 2012 में आरएस आया था, 2013 का मात्र फॉर्म भरा था, तैयारी नहीं की। उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो एक मिथ था, जो एक झूठा अपवाह जिसको अपन बोल सकते हैं, जिसके आधारित होकर मैं तैयारी नहीं करी। हमेशा लोग ये कहते थे कि जो 100 बार 35 साल वाले लोग होते हैं, 100 बार जो अध्यापक से आते हैं, वही लोग आरएस क्रैक कर पाते हैं जिन्होंने बहुत सारी कोचिंग की है 17-18 महीने, या जिन्होंने 4-4 5-5 साल से तैयारी की है, वही लोग आरएस कर पाते हैं, अदर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अंदर भी ये था, सबने बताया, मैंने मान लिया कि अपने बस की है नहीं आरएस करने। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आते ही मैंने रूम ले लिया, जो अपना पहला काम होता है, ठीक है, 3-4 दिन रूम लिया, सेट आउट किया, तो पूरा 1 मार्च तक का टाइम मेरा जा चुका था। अब मेरे पास सॉरी 1 मार्च हो चुका था, तो मेरे पास एग्जैक्ट 40 दिन बच रहे थे, मार्च का महीना बच रहा था और 10 दिन अप्रैल बच रहे थे, और 40 दिन में मुझे सब तैयारी करनी थी। बाकी टोंग फटक गया, जितने भी जानकार थे, एक्चुअली मैं जब इस आरएस की तैयारी नहीं कर रहा था तो मैं ऐसे लोगों से भी नहीं जुड़ा हुआ था जो पढ़ रहे हैं कोचिंगों वगैरह में, तो मुझे कुछ नहीं पता था, और कोचिंगों से थोड़ी सी मेरी बढ़ती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कभी कोचिंग गया भी नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं गया। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि आप कोचिंग नहीं जाओगे तो आपका आरएस में नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस चीज़ को मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं कोचिंगों में नहीं गया, कोचिंगों का मटेरियल देखते हैं इतना सारा, तो वो प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, ठीक है, इतना सारा तो एक एक सब्जेक्ट का, उसके बाद बहुत सारी किताबें बता देते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे रूबरू होने का मौका नहीं मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन सबको। मैंने बात की टोंग फाटक गया, तो टोंग फाटक में क्या है कि अपने गाइड वो बैठे रहते हैं ना गाइड, ये पढ़ लो तुम, वो पढ़ लो तुम, वो पढ़ लो, उनसे सबसे ज्ञान लिया। फिर कुछ जो लोग थे उनसे पूछा, तो कुछ बेसिक किताबें उन्होंने बताई कि भाई पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ लेना, इकोनॉमी यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ी सी मैथ पढ़ लेना, मैथ तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं अच्छा रहा हूँ मैथ में शुरू से, और ये सब चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना। तो मैं इकट्ठी करके किताब ले आया, 49,000 रुपये से ले आती थी, किताब खरीदने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बढ़िया मैं किताबें खरीद लाया। और किताब खरीदने के बाद मैं एक बार तो ऐसा लग रहा था कि यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो होता है ना कि आदमी को जब सक्सेस होना होता है ना तो उसके अंदर से आने लगता है। तो मेरे अंदर ये कभी नहीं था कि मैं कितना कर पाऊंगा इसमें, अलग अलग सर्विस होती है आरएस के अंदर, आरएस होता है, आरपीएस होता है, मुझे ये नहीं पता था क्या मिलेगा, पर मुझे ये पता था कि एक सीट में लेके जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। मैंने शुरुआत की पढ़ने की, और तकरीबन 26 या 27 किताबें मैंने इस 40 दिन के अंदर पढ़ी, क्योंकि मेरे अंदर जब ये आ गया था तो मैंने अपना सब कुछ जोड़ दिया। मेरे केवल दो ही काम थे, पढ़ना, सोना, और तीसरा काम था नहाना धोना और ये खाना खाना, ठीक है। खाने में फिक्स था, सुबह पेटीज खानी, ठीक है, और शाम को एक 40 रुपये की बार जो डाइट मिलती है वो खानी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना कि अपने को अच्छा खाना खाना है कि क्या खाना है। मैं तैयारी पर लग गया क्योंकि समय मेरे पास कम था, और जब मैंने पेपर लिखा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। और पेपर लिखने में देखो एक चीज़ और बताऊँ, एग्जाम हॉल में मेरे साथ क्या हुआ, जब आप कह रहा हूँ जब आपके अंदर आ जाता है ना कि मैं कुछ करने वाला हूँ, तो सब चीज़ें आपको पॉजिटिव लगने लग जाती है। और मेरे साथ जैसा जब एग्जाम हॉल में बैठा, मैं मेरी आदत शुरू से रही है, जब मैं SSC के एग्जाम देता था तब भी मैं जितने भी कमरे में और अभ्यर्थी बैठे रहते थे उन सबकी शक्ल देखता था
फिर एक चीज मन में और एक लाइन अपने आप को बोल देता था, इनसे 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 सबसे अच्छा हूं मैं। इनसे तो पीछे कभी नहीं रहूंगा मैं, इतना मेरे अंदर आ जाता था कॉन्फिडेंस, मान लो चाहे इसको और कॉन्फिडेंस मान लो, कुछ भी मान लो, और उसने मेरा काम किया आराम से, मेरे पेपर पूरे हुए, मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर तो देने वाले पे है, देगा जो देगा, हमने करना था जो कर दिया, हमने अटेम्प्ट कर दिए सारे के सारे क्वेश्चन, और जब रिजल्ट आया तो मेंस निकल गया। अब मेंस निकल गया तो फिर वापस इंटरव्यू के लिए भी आना था, तो उन्हीं कमिश्नर साहब का ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ था, उम्मीद थी हो जाएगा, नहीं बातें चल रही थी, फिर कमिश्नर साहब का नहीं हुआ, कमिश्नर साहब को जाके मैंने कहा कि सर मेरा मेंस हो गया है, तो बोले अच्छा हो गया है तुम्हारा मेंस, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, तो बोले मैं सर अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तो मेरे पास ही बैठा मैं करा दूंगा तैयारी, मैंने माफ करो वो 55 साल का आदमी है, वो बिल्कुल भी नहीं तैयारी करवाएगा, वो लेटर बनवाएगा मेरे से। तो मैंने फिर वहाँ से भाग के आया, क्योंकि फिर देखो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस एग्जाम में मुझे कुछ मिलने वाला है, तो मुझे उस जॉब की टेंशन ही हट गई थी, मेरी इनकम टैक्स वाली जॉब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला था ये मुझे पहले से विश्वास था। इंटरव्यू की तैयारी की, बहुत सारी इंटरव्यू में फैले रहते हैं, ये पढ़ो ये सब करो वो सब करो, ऐसे कपड़े पहन लो, आदत अभी से बना लो, कपड़े एक दिन के होते हैं उसी दिन बढ़िया पहन के जाने, बाकी तो तुम पता नहीं टी शर्ट में घूमो कौन पूछ रहा है। पर आपका जो मेंटल प्रिपेयर करते हो अपने आप को वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो तो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट अपने को पहन के जानी है, उसको अंदर दबा के जाना है, वो सब बातें होती है उसी दिन कर लेंगे अपन, पर मेंटली प्रिपेयर होना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटरव्यू फेस करने जब जाते हो आप लोग। तो मेरा भी यही था, इंटरव्यू के 15 दिन पहले मैं वहाँ से भाग के आया, वापस रूम लिया, ठीक है, रूम भी चलता था, रूम लिया था क्योंकि सेटअप कौन करेगा 15 दिन के लिए। इंटरव्यू दिया और फिर इंटरव्यू देने के बाद भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई ना कोई सीट मिलेगी, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन नंबर ढूंढे मैंने, हालांकि मेरा लिस्ट में नंबर नीचे था, पर जब मैंने सारा कैलकुलेशन बिठा के देखा तो मुझे लगा कि तहसीलदार तो मिल ही जाएगा, और मुझे तहसीलदार मिल गया, आरटीएस सर्विस मुझे अलॉट हो गई। 2013 की जर्नी थी, इस 2013 की जर्नी में जब पूरी की मैंने, तो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि यार इंसान को है ना अपने आप लगने लग जाता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा करूंगा और किस में नहीं करूंगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्राई करो चीज़ों को, और ये सब कुछ ट्राई करने का मौका आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है। यहाँ बहुत सारे, जब मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में आता हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत अच्छे एथलीट यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है उनके साथ, होता यही है कि हम जैसे कोई आ रहे आते हैं और उनको ज्ञान दे जाते हैं, जो उनका टैलेंट है उसको हम जुटला जाते हैं और उनको कह देते हैं कि तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेरा ये मानना है लोगों की कम सुनो अपने मन की पूरी करो, शायद मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, पर 2-3 बातें हैं वो मैं बताऊँगा, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर से माफ़ी मांगता हूँ। शायद मज़ा भी आ गया, जब ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है ना तो बात करने का थोड़ा मज़ा भी आता है, और तो 15 मिनट बैठने वाले होते हैं वो 1 घंटा भी बैठे रहते हैं। तो ये सब होता है जब इंसान को पता लग जाता है, और वही कहना था कि अपने मन की सुनो, अपने मन को जानो। इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखते हैं, अभी भी कभी कभी शाम को मैं यहाँ पाया जाता हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे यहाँ दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम तो बहुत ज़्यादा है, जैसे सर ने बताया कि लॉ डिपार्टमेंट से जो फर्स्ट है वो यहाँ से आ रहा है, तो अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाना, सरकारी नौकरी लगना, यही सब कुछ नहीं होता है, मेरा ये मानना है, पर तैयारी जिनको लगता है कि हमें इसी फील्ड में जाना है उनको तैयारी भी करनी चाहिए, पर अपने आप को एक्सप्लोर कर लो, ये यूनिवर्सिटी टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और क्योंकि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली इसीलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं है कि जिस सर्विस में मैं हूँ क्या वो वास्तव में वही चीज़ है जिसे मैं चाहता था, क्या मैं अच्छा कोई प्लेयर हो सकता था, या मैं अच्छा एकेडमिशियन हो सकता था, या मैं रिसर्च में अच्छा कर सकता था, ये मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया इन चीज़ों को। तो आपके पास मौका है, अपने टैलेंट को पहचानो, और जिस दिन टैलेंट को पहचान के उसके अकॉर्डिंग काम करोगे मन से आने लग जाएगा। कभी कभी खेलने नहीं, क्रिकेट खेलने वाले जाते नहीं क्या, ये टीम देख लूंगा, दौड़ने वाले नहीं होते इतने कॉन्फिडेंट, अपने साथ वाले दौड़ने वालों को देखते बोले इनसे आऊँगा क्या, इनको कहीं का छोड़ दूंगा, अपने आप मन में आने लग जाता है। और 2013 में थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था कैसे तैयारी करनी है, तो 2016 में ज़्यादा जोर आया नहीं,
ठीक है, वही मजे मजे से तैयारी की, लोड ज़्यादा लिया नहीं। एक स्ट्रेस की बात होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो 100 कार्ड दुकानें यहाँ पर चल रही है, दुकानें का मतलब समझ रहे होंगे, मैं उनको स्ट्रेस अड्डा बोलता हूँ। वो स्ट्रेस अड्डा इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा बनाई जाती है हर चीज़ की, तो इन चीज़ों से दूर रहो, अपना पढ़ाई करो, और जो खेलना चाहता है वो खेलो, जो करना चाहते हो वो करो, कुल मिला के बात ये है। स्ट्रेस से दूर रहो, ठीक है, और सफलता और असफलता केवल यहीं से डिसाइड नहीं होती कि आप आरएस बन गए या नहीं बने। कुछ लोग सफल लेट होते हैं, कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, पर सफलता सबको मिलती है यदि वो अपने अंदर की जो मन है उसको पहचान लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो सब बातें होती है उसी दिन कर लेंगे अपन, पर मेंटली प्रिपेयर होना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इंटरव्यू फेस करने जब जाते हो आप लोग। तो मेरा भी यही था, इंटरव्यू के 15 दिन पहले मैं वहाँ से भाग के आया, वापस रूम लिया, ठीक है, रूम भी चलता था, रूम लिया था क्योंकि सेटअप कौन करेगा 15 दिन के लिए। इंटरव्यू दिया और फिर इंटरव्यू देने के बाद भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई ना कोई सीट मिलेगी। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन नंबर ढूंढे मैंने, हालांकि मेरा लिस्ट में नंबर नीचे था, पर जब मैंने सारा कैलकुलेशन बिठा के देखा तो मुझे लगा कि तहसीलदार तो मिल ही जाएगा, और मुझे तहसीलदार मिल गया, आरटीएस सर्विस मुझे अलॉट हो गई। 2013 की जर्नी थी, इस 2013 की जर्नी में जब पूरी की मैंने, तो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि यार इंसान को है ना अपने आप लगने लग जाता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा करूँगा और किस में नहीं करूँगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्राई करो चीज़ों को, और ये सब कुछ ट्राई करने का मौका आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है। यहाँ बहुत सारे, जब मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में आता हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत अच्छे एथलीट यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है उनके साथ, होता यही है कि हम जैसे कोई आरएस आते हैं और उनको ज्ञान दे जाते हैं, जो उनका टैलेंट है उसको हम जुटला जाते हैं और उनको कह देते हैं कि तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेरा ये मानना है लोगों की कम सुनो, अपने मन की पूरी करो, शायद मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, पर 2-3 बातें हैं वो मैं बताऊँगा, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर से माफ़ी मांगता हूँ। शायद मज़ा भी आ रहा है, जब ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है ना तो बात करने का थोड़ा मज़ा भी आता है। और तो 15 मिनट बैठने वाले होते हैं, वो 1 घंटा भी बैठे रहते हैं, तो ये सब होता है जब इंसान को पता लग जाता है। और वही कहना था कि अपने मन की सुनो, अपने मन को जानो। इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखते हैं, अभी भी कभी कभी शाम को मैं यहाँ पाया जाता हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे यहाँ दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम तो बहुत ज़्यादा है, जैसे सर ने बताया कि लॉ डिपार्टमेंट से जो फर्स्ट है वो यहाँ से आ रहा है, तो अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाना, सरकारी नौकरी लगना, यही सब कुछ नहीं होता है, मेरा ये मानना है, पर तैयारी जिनको लगता है कि हमें इसी फील्ड में जाना है उनको तैयारी भी करनी चाहिए, पर अपने आप को एक्सप्लोर कर लो। ये यूनिवर्सिटी टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्योंकि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली इसीलिए मान सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं है कि जिस सर्विस में मैं हूँ क्या वो वास्तव में वही चीज़ है जिसे मैं चाहता था, क्या मैं अच्छा कोई प्लेयर हो सकता था, या मैं अच्छा एकेडमिशियन हो सकता था, या मैं रिसर्च में अच्छा कर सकता था, ये मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया इन चीज़ों को। तो आपके पास मौका है, अपने टैलेंट को पहचानो, और जिस दिन टैलेंट को पहचान के उसके अकॉर्डिंग काम करोगे मन से आने लग जाएगा। कभी कभी खेलने नहीं, क्रिकेट खेलने वाले जाते नहीं क्या, ये टीम देख लूंगा। दौड़ने वाले नहीं होते इतने कॉन्फिडेंट, अपने साथ वाले दौड़ने वालों को देखते बोले इनसे आऊँगा क्या, इनको कहीं का छोड़ दूंगा, अपने आप मन में आने लग जाता है। और 2013 में थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था कैसे तैयारी करनी है, तो 2016 में ज़्यादा जोर आया नहीं, ठीक है, वही मजे मजे से तैयारी की, लोड ज़्यादा लिया नहीं। एक स्ट्रेस की बात होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो 100 कार्ड दुकानें यहाँ पर चल रही है, दुकानें का मतलब समझ रहे होंगे, मैं उनको स्ट्रेस अड्डा बोलता हूँ। वो स्ट्रेस अड्डा इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा बनाई जाती है हर चीज़ की, तो इन चीज़ों से दूर रहो, अपना पढ़ाई करो, और जो खेलना चाहता है वो खेलो, जो करना चाहते हो वो करो, कुल मिला के बात ये है। स्ट्रेस से दूर रहो, ठीक है, और सफलता और असफलता केवल यहीं से डिसाइड नहीं होती कि आप आरएस बन गए या नहीं बने। कुछ लोग सफल लेट होते हैं, कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, पर सफलता सबको मिलती है यदि वो अपने अंदर की जो मन है उसको पहचान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।